बॉलीवुड इंडस्ट्री से सेलेब्स की चुनौतियों का सामना करने और कास्टिंग काउच का शिकार होने की खबर आए दिन सामने आती रहती है। आजकल कई एक्ट्रेस बड़ी बेबाकी से अपनी बात भी लोगों के सामने रख रही हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ लड़कियों के साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। बॉलीवुड के सक्सेसफुल एक्टर भी कास्टिंग काउच का शिकार हो चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने जब से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा है उसके बाद से ही वो अपने स्टाइल और एक्टिंग को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। रणवीर ने अपने छोटे से करियर में बड़े बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में वो कास्टिंग काउच का शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, आज भले ही रणवीर सिंह बॉलीवुड में अपना एक अलग ही नाम बना चुके हों, लेकिन स्ट्रगल उन्होंने भी की है। रणवीर का पिछले 10 सालों का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। इन दिनों एक न्यूज चैनल को दिया उनका एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में उन्होंने काफी चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में स्ट्रगल के दौरान उनकी मुलाकात एक कास्टिंग डायरेक्टर से हुई थी। डायरेक्टर ने रात को 8 बजे उन्हें अपने घर पर बुलाया था। रणवीर अपना पोर्टफोलियो लेकर उसके घर भी पहुंच गए और अपना पोर्टफोलियो डायरेक्टर के हाथ में थमा दिया। रणवीर का कहना है कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो काफी शानदार बनाया था, लेकिन इस कास्टिंग डायरेक्टर ने उनकी फोटोग्राफ्स पर नजर तक नहीं डाली और पोर्टफोलियो साइड में रख दिया। फिर क्या था कि रणवीर समझ गए कि आखिर वो डायरेक्टर उनसे चाहते क्या हैं। रणवीर ने बताया कि डायरेक्टर ने उनसे कहा कि तुम स्मार्ट और सेक्सी बनो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत आगे जाते हैं। डायरेक्टर ने ये भी कहा कि वो उन्हें कई ऑफिस भेजेंगे और अगर उन्हें कोई टच करे तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। रणवीर उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया, लेकिन वो शख्स फिर भी नहीं माना और बार बार रणवीर को इंसिस्ट करता रहा। रणवीर ने आगे बताया कि जब उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया तो वो ऐसे रूठ गया मानो जैसे किसी आशिक का दिल ही टूट गया हो। रणवीर ने जब ये बात अपने दूसरे स्ट्रगलिंग फ्रेंड्स को बताई तो वो लोग कहने लगे कि ये कॉमन बात है। वही बात करें रणवीर सिंह के बॉलीवुड में अब तक के सफर की, तो आपको बता दें कि रणवीर सिंह ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू 10 साल पहले फिल्म बैंड बाजा बारात से किया था। हालांकि वो इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। दरअसल इस फिल्म में रणवीर कपूर को लिया जाना था, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और यशराज फिल्म ने एक नए चेहरे के साथ रणवीर सिंह को फिल्म में कास्ट किया। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट अनुष्का शर्मा नजर आई थी। बता दें कि इस फिल्म का एक किस्सा काफी सुर्खियों में भी रहा था। वो ये कि रणवीर और अनुष्का को झगड़ा करना था और उस वक्त रणवीर अपने कैरेक्टर में इतना डूब गए कि उन्होंने अनुष्का को सच में थप्पड़ जड़ दिया था। खास बात यह है कि इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। न्यूज़ तक ब्यूरो।